गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षणिक दर्शन विषय पर विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़ ने बताया कि इस तरह का आयोजन से गुरु गोरखनाथ पर शोध करने वाले विद्यार्थियों को बहुत फायदा मिलेगा, जो कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का एक भाग है, जिसमें नाथ पंथ की महिमा के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, इससे गुरु गोरखनाथ के बारे में सभी को जानने का अवसर प्राप्त होगा। अगर सामाजिक समरसता देखना चाहते हैं तो गोरखनाथ मंदिर के भोजनालय में देख सकते हैं, जहां सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। भारतीय दर्शन में नाथ संप्रदाय एवं नाथ पंथ का सिद्ध योगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो आज भी कायम है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर राजशरण शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़ ने कहा, शुभम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप सर। इस शिक्षा के मंदिर संगीत विभाग की छात्रा को आमंत्रित करता हूँ सरस्वती वंदना वाक्य के लोगों को नई ऊर्जा और संचेतना का प्रसार और प्रचार कर उनके शैक्षिक और सामाजिक दर्शन का प्रतिरूप मूर्त रूप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, एक भारतीयता से युक्त शिक्षा व्यवस्था को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है और उसी परिषद की बगिया में पुष्पित और पल्लवित हुए दो ख्यातिलब्ध विद्वान इस समय मंच पर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। शिक्षा शास्त्र विभाग अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और विभागाध्यक्ष होने के कारण मैं हर्षोल्लास से इतनी ज्यादा आह्लादित हूं कि मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं शुरू कहां से करूं। आज के दिन हमारे मंच पर जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनको ध्यान में रखकर अगर कुछ बात शुरू करते हैं तो हमारे विशिष्ट अतिथि जी की ओर भी ध्यान जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं न्याय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं मुख्य अतिथि के बारे में बोलूं कि विशिष्ट अतिथि के बारे में बोलूं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा समानता है। मेरे लिए तो दोनों एक ही है। तो मैं कुछ कहने से पहले थोड़ी दृश्यता कर रही हूँ, आशा है मुख्य अतिथि जी इसको नजरअंदाज करेंगे और मेरी स्थिति को समझते हुए। आज का जो विषय हम लोगों ने चुना है ये गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षिक दर्शन। यह विषय विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर चुना गया है और इसकी आवश्यकता महसूस इसलिए हुई क्योंकि आज के विषय का जो संबंध है वो
स्तर के जो कोर्स हैं उससे भी संबंधित है, परा स्नातक से भी संबंधित है, और जो हमने एमएड के कोर्स में द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ रखा है उससे भी संबंधित है। तो ये विषय बहुत ही विद्यार्थियों के लिए ज्ञानपूर्ण है। अब कहा गया कि अतिथि का स्वागत कीजिए। अतिथि देवो भव कहती है ये भारत धरा, स्वागत करके आपका निभा रही हूं परंपरा। हमारी परंपरा है कि कोई भी मंचीय कार्यक्रम किसी विशेष किसी अति कुशल अथवा मूर्धन्य विद्वान के सानिध्य में संपन्न करते हैं। आज हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग में एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया है। विषय है उसका गुरु गोरक्षनाथ का सामाजिक एवं शैक्षिक दर्शन, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप राव जी, कुल सचिव गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के, और जो विशिष्ट अतिथि हैं वो डॉक्टर राजशरण शाही जी, सहयुक्त आचार्य भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के। क्या उद्देश्य है इसका? ये हमारे पाठ्यक्रम का एक अंश है जो बीएड एमएड और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में समाहित है। गुरु गोरक्षनाथ का शिक्षा दर्शन, गुरु गोरक्षनाथ का योग दर्शन, और गुरु गोरक्षनाथ नाथ पंथ एवं जो हम वहाँ का गुरु महिमा है, और उसके साथ साथ फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ, उससे रिलेटेड ये व्याख्यान कराया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए ही है ये पाठ्यक्रम में है, तो वो उनके लिए ही है ये। हाँ, उनको जो गुरु गोरक्षनाथ हैं उनके दर्शन को समझने का अवसर मिलेगा।